हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यापम की ग्रुप फोर में प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए मैथ के क्वेश्चंस का पार्ट नंबर फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि व्यापम की जो ग्रुप फोर की एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया। तो दोस्तों, अगर आपके पास CPCT नहीं भी है और अगर आप 12th पास हो तो भी आप लगभग 180 पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, जिसके भी पास CPCT नहीं है वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 180 पोस्ट है। बाकी अगर आपके पास CPCT है सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मेरा नाम सचिन सिलावट है और आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं मैथ के टॉपिक वाइज वीडियो कवर करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको वहां हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। मैं वहां डेली एक टॉपिक कवर करवा रहा हूँ, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने हमें अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो दोस्तों आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो करिए, क्योंकि वहां पर मैं व्यापम की प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चंस को डिस्कशन कर रहा हूं। और दोस्तों, अभी आने वाले एक या दो दिन में वहां पर मैं व्यापम की प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए ग्रुप फोर के रीजनिंग के टोटल 5 पार्ट्स को मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप जल्दी से आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर दीजिए। अब पहला क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन व्यापम की ग्रुप फोर की एग्जाम में पूछे गए। यहां पर पहला क्वेश्चन क्या है कि 8 पुरुष और 10 महिलाएं किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं, 12 पुरुष और 12 महिलाएं उसी कार्य को 3 सही 1/2 दिनों में कर सकते हैं, तो 2 पुरुष और 7 महिलाएं एक साथ उसी कार्य को करने में कितने दिन लेंगे। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से सोल्व करना है, जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कम समय में और सही तरीके से सोल्व कर सकते हो। तो यहां पर क्या बोला है कि 8 पुरुष और 10 महिलाएं, मतलब अगर सीधी सी बात करूं तो क्या हो जाएगा, 8 मेल प्लस यहां पर क्या है 10 फीमेल बराबर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 5 डेज में। क्लियर दोस्तों। देन उसके बाद क्या बोला है कि 12 पुरुष, मतलब कितने हो जाएंगे, 12 मेल प्लस यहां पर क्या बोला है 12 फीमेल मिलकर इसी काम को कितने दिन में करते हैं, 3 सही 1/2, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा 7.5 7.5, अरे यहां पर क्या 3.5, मतलब यहां पर क्या है 3 सही 1/2, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा ये 3.5 हो जाएगा, 7/2 यहां पर क्या होगा 3 का मल्टीप्लाई 2 में 6, 6 प्लस 1 कितना होगा 7, 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 3.5, यहां पर क्या हो जाएगा ये 3.5। अब यहां पर दोस्तों आपको क्वेश्चंस को सोल्व क्या करना, लास्ट में क्या बोला है आपको कि 12 मेल प्लस 7 फीमेल उसी काम को कितने में करेंगे ये हमें ज्ञात करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहां पर क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करना वो आप अच्छे से समझना है। यहां पर क्या करना है 5 का मल्टीप्लाई इसमें करना है कितना होगा 5/8 40। क्लियर है। उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई यहां पर भी करना है, मतलब दोनों ही इक्वेशन में करना है, पहले 8 में फिर 10 में, तो यहां पर कितना हो जाएगा 10 में करेंगे तो 50 हो जाएगा। उसके बाद यहां पर क्या होगा 3.5 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 × 5 = 60, 0 बच जाएंगे कितने 6, फिर 12 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 36 और 6 कितने हो जाएंगे यहां से 42 और एक संख्या क्या पॉइंट, मतलब यहां पर कितना हो जाएगा 42। उसी प्रकार से यहां पर भी इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा 42.0। अब यहां पर आपको करना क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो 40 में से 42 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 मेल, क्योंकि यहां पर क्या है पूरा ही मेल। उसके बाद ये फीमेल कितनी हो जाएंगी, 50 में से आप यहां पर 42 को माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा 8 फीमेल। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन तैयार हो चुका है कि दो पुरुष जो है वो 8 महिलाओं के बराबर है। क्लियर दोस्तों। बस अब आपको यहां पर ज्ञात क्या करना है, 12 पुरुष प्लस 7 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, या तो दोस्तों आप महिलाओं में चेंज कर लो या पुरुष में चेंज कर लो। तो हम यहां पर एक काम करते हैं कि पुरुषों में चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या थी यहां पर कि 8 मेल प्लस 10 पुरुष 10 फीमेल बराबर कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में। तो यहां पर मुझे क्या करना है कि सबसे पहले 8 मेल लिखना है, मतलब 8 जो पुरुष है उसको कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई 4 इधर कर लूं मैं और मल्टीप्लाई 4 इधर कर लूं तो क्या हो जाएगा यहां पर 4 × 2 = 8, 8 पुरुष बराबर कितने हो जाएंगे 32 महिलाएं, मतलब ये कितना हो जाएगा 32 प्लस एफ हो जाएगा, देन यहां पर कितना हो जाएगा 10f = 5। अब इन दोनों को जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा 42 महिलाएं, मतलब कहने का मतलब ये कि 42 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में करते हैं, ये इक्वेशन हमारी बन चुकी है। इतना समझ में आया। अब यहां पर हमने इसको चेंज कर लिया तो यहां पर भी तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वेशन तो हमें ज्ञात करनी है। तो हम यहां पर भी क्या करते हैं कि हमें यहां पर 2 मेल बराबर कितना है 8 महिला है, तो यहां पर हमें क्या करना है 12 मेल, यहां पर 12 नहीं यहां पर 2 है, यहां पर क्या है 2 पुरुष है, तो यहां पर 2 की जगह हम क्या रखते हैं 8 फीमेल रखते हैं बस, तो 8 फीमेल प्लस 7 फीमेल = हमें ज्ञात करना है, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 15 फीमेल हो जाएगा।
अब आपको यहां पर क्या करना है कि यहां पर ट्रिक लगेगी मजदूर कार्य और दिवस वाली, जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं ये सारी चीजें। तो यहां पर क्या है कि 42 महिलाएं एक काम को कितने दिन में करती, 5 दिन में। तो यहां पर पूछा क्या है कि 15 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेगी। तो बस यहां से आप इसको सोल्व कर सकते हो, क्या होगा 5 से 3 बार, 3 से स्कूल कर 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, मतलब कितने दिन में हो जाएगा ये 14 दिन में। तो यहां से आपको क्या करना है, ऑप्शन चेक करना है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। या तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हो। यहां पर जब भी कार्य इक्वल होता है ना, तो आपको डायरेक्ट डिवाइड करना होता है। तो यहां पर क्या है, 42 × 1 और 5, तो यहां से इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 14 दिन में क्या है, 2 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को 14 दिन में पूरा कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संख्या प्रणाली में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 0 है, देन उसके बाद क्या है 5 है, देन यहाँ पर कितना है 18 है, 43 है, और कितना है 84, देन यहाँ पर कितना है 145 और क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है कि सीरीज यहां पर जो भी लॉजिक लग रहा है वही लॉजिक से यहां पर आपको आंसर निकालना है, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या वैल्यू आएगी वो आपको ज्ञात करना है। अब यहां पर दोस्तों जब हम स्टार्ट करते हैं तो यहां पर क्या है, सबसे पहले 0। दोस्तों जब भी कोई संख्या 0 से स्टार्ट होती है ना, तो 99% जो है मल्टीप्लाई का लॉजिक वहां पर नहीं होता है, क्योंकि जब भी आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 में किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 0 ही बन जाएगा। तो यहां पर प्लस का लॉजिक है, जैसे 0 से 5, 18, 43, 84, 145, यहां पर संख्या बढ़ रही है तो यहां पर क्या हुआ, प्लस 5 का लॉजिक है। उसके बाद 5 में क्या जोड़ेगा, 18 बन जाए, तो 13 जोड़ दोगे तो 18 बन जाएगा, ये भी प्लस का लॉजिक है। देन यहां पर भी क्या है, कितना जोड़े 18 में, तो यहां पर क्या बच जाएगा, 13 में से यहां पर क्या माइनस हो जाएंगे 8, तो यहां पर क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा, फिर 3 में से 1 जाएंगे तो कितना, मतलब प्लस 25। उसके बाद यहां पर कितना होगा, 4 में से 3 जाएंगे तो 1, फिर यहां पर 8 में से 4 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 4, यहां पर प्लस 41, फिर उसके बाद यहां पर कितना बच जाएगा 1, और यहां पर 6, मतलब प्लस 61, और यहां पर आपको अब ज्ञात करना है। अब दोस्तों जब यहां पर आप लॉजिक देखते हो तो 5 है, 13 है, 25, 41, 61, तो यहां पर आप एक बार और थोड़ा सा चेक कर लीजिए इसको, क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 8 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 में से 3 जाएंगे तो 2, उसके बाद 2 में से 1 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 1, 12, मतलब यहाँ पर क्या हो गया 8, 12, तो यहाँ पर क्या होगा 11 में से 5 जाएंगे तो 6, 3 में से 2 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 1, मतलब यहाँ पर क्या है कि 8 + 4 = 12, फिर यहाँ पर क्या है + 4 = 16, तो यहाँ पर भी क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस 20 आ रहा है, तो हाँ आ रहा है, तो प्लस क्या है ये भी 4 का डिफरेंस है, तो यहां पर भी आप प्लस 4 का डिफरेंस करोगे तो कितना हो जाएगा 20, तो यहां पर कितना हो जाएगा 24। अब आपको यहां पर आंसर कैसे आएगा ये भी तो पता होना चाहिए, तो बस यहां पर इन दोनों को जोड़ लो, कितना होगा 61 और 24, तो यहां पर कितना आएगा, सबसे पहले तो 5, 6 और यहां पर 2 कितना हो जाएगा 8, बस अब इसको आप इसमें जोड़ लो तो जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 बच जाएंगे, 1, 8 और 4 = 12 और 1 = 13 बच जाएंगे, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, मतलब यहां पर कितनी वैल्यू आएगी क्वेश्चन मार्क की जगह 230। तो यहां पर आपको ऑप्शंस में कहां देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर यहां से हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस ग्रुप 4 के एग्जाम में पूछे गए हैं आपके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या बोला है, यदि √1 + 27/169 = 1 + x / 13 है, तो एक्स की वैल्यू आपको यहां पर ज्ञात करनी है। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चंस में आपको क्या बोला है कि 1 + 27 / 169, देन यहां पर क्या है = 1 + x / 13, तो x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहां पर अंडर रूट सोल्व करना पड़ेगा, तो यहां पर क्या है 169 का मल्टीप्लाई 1 में करूं और प्लस का साइन बीच में, तो यहां पर 27 जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, 6 और 2 = 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, और यहां पर कितना बच जाएगा 1, मतलब यहां पर इसका मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो कितना आएगा 196, डिवाइड में कितना हो जाएगा यहां से 169, और ये क्या है पूरा अंडर रूट में, देन यहां पर क्या है 1 + x - 13। आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू ज्ञात करना है। अब आपको पता है कि 196 किसका अंडर रूट होता है, तो यहां पर 14 का होता है ये, और 169 किसका होता है 13 का होता है, = कितना है यहाँ पर 1 + x + x बटे कितना हो जाएगा 13। अब ये प्लस का 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्या होगा 14/13 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 1, = कितना हो जाएगा x/13। तो 13 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे और 13 को 14 से माइनस करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर 1/13 आ जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा x बाय
13, तो 13 से 13 कैंसिल, तो x बराबर क्या वैल्यू निकल के आएगी 1, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है दोस्तों कि 729 लीटर के एक मिश्रण में दूध और जल का अनुपात कितना है, 7:2 है। इसमें कितना जल और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और जल का अनुपात कितना हो जाए, 7:3 का रेशियो हो जाए। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या बोला है कि टोटल यहाँ पर आपको क्वांटिटी दी हुई है कितनी है, 729 लीटर। ये क्या है, यहाँ पर दूध और पानी का टोटल मिश्रण है, यहाँ पर इसमें दूध भी शामिल है और पानी भी शामिल है। और यहाँ पर आपको क्या दिया है, मिल्क और वाटर का रेशियो गिवन है जो कि कितना है, 7:2 का रेशियो है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दूध को अलग निकालना पड़ेगा और पानी को अलग के रेशियो में करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर आपको ज्ञात करना पड़ेगा कि टोटल दूध कितना है, फिर वाटर यहाँ पर कितना है। तो आपको पता है 729 टोटल मिश्रण है, तो यहाँ पर हम रेशियो का भी क्या कर ले योग, तो क्या होगा, +9। बस यहाँ से आपको क्या करना है, 729 को डिवाइड करना है 9 से और मल्टीप्लाई करोगे 7, तो आपके सामने क्या निकल के आएगी वैल्यू, मिल्क की मात्रा निकल के आ जाएगी। मतलब मिल्क कितना है वो यहाँ से निकल कर आ जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 9×8=72, उसके बाद 9×1=9, फिर 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना होगा 7, उसके बाद 7×8=56 कितना हो जाएगा 56। मतलब मिल्क कितना हो गया 56×7। अब यहाँ से आपको वाटर ज्ञात करना है तो मल्टीप्लाई 2 कर लो, तो मैं यहीं पर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कैंसिल होगा तो क्या होगा 81, फिर यहाँ पर 81 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2×1=2, यहाँ से कितना होगा 8×2=16 हो जाएगा, क्लियर है। और ये क्या हो गया, वाटर की मात्रा हो गई दोस्तों। इतना आपको समझ में आ गया ना, हमने यहाँ पर कुछ नहीं करा, जितना हमको बोला था हमने सिर्फ वहाँ पर क्या करा, वही वैल्यू को यहाँ पर रख दी। अब आपको दोस्तों यहाँ पर क्या करना है कि बोला क्या है आगे कि कितना जल और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और जल का अनुपात कितना हो जाए, 7:3 हो जाए। आपको पता है यहाँ पर मिल्क की मात्रा कितनी है, 567, और यहाँ पर क्या बोला है कि वाटर की मात्रा कितनी है, यहाँ पर 162 है, क्लियर दोस्तों। अब आपको बोला है कि कितना पानी और मिलाया जाए, तो मान लेते हैं कि हम x लीटर पानी और मिलाया जाए, तो रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ से 7/3 हो जाएगा। अब आपको यहाँ से x का मल्टीप्लाई करना है, और x का मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा, मतलब x को मल्टीप्लाई करके जो भी यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी वही क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है, 3 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना होगा, 21 बच जाएंगे 2, 3×6=18 और 2×20 बच जाएंगे 2, 3×5=15 और 2 कितने हो जाएंगे, यहाँ से 17 हो जाएंगे, क्लियर दोस्तों। यहाँ पर 567 में जब मल्टीप्लाई आप 3 करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर लिया 21×18 और यहाँ पर 3×17, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 162 में 7×2 कितना हो जाएगा, 14 बच जाएंगे 1, 7×6=42 और 1×43 बच जाएंगे यहाँ पर 4, 7×4 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 11, उसके बाद +7x हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि बस माइनस और प्लस करना है, इधर इस वैल्यू को आप लेके आओगे तो क्या होगा, प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसको यहाँ से माइनस करना है, तो दोस्तों यहाँ पर आप डायरेक्ट माइनस कर लो, मतलब 11 में से 4 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 7, उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा 9 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पर 6, उसके बाद यहाँ पर क्या बच जाएगा 16 में से यहाँ पर 11 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे यहाँ पर 5, बराबर कितना हो जाएगा 7x। भाई इसको कैंसिल कर लो, 7×8=56, 7×1=7, मतलब x बराबर कितना गया 81। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको 81 लीटर वाटर और मिलाना पड़ेगा, तब जाके रेशियो क्या हो जाएगा, 7:3 का रेशियो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्या बोला है, फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज, मतलब दी हुई श्रेणी में गलत पद आपको क्या करना है, यहाँ से ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या सीरीज दी हुई है हमें, 3 है, देन यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ पर कितना है 13 है, और यहाँ पर 38 है, देन यहाँ पर 87 है, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर 166, देन 289 है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि गलत पद जो है वो ज्ञात करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर लॉजिक चेक करना पड़ेगा कि किस टाइप का यहाँ पर लॉजिक लगने को है, क्योंकि देखो यहाँ पर 3 के बाद 4 हुआ है, फिर 4 के बाद यहाँ पर, जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो क्या होगा, 3 के बाद 4, 4 के बाद 13, 13 के बाद 38, फिर 87, 166, 289, मतलब यहाँ पर हो सकता है कि मल्टीप्लाई का लॉजिक हो, दोस्तों प्लस का लॉजिक नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 1 होगा, फिर यहाँ पर कितना जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे, फिर यहाँ पर मतलब प्लस का लॉजिक नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में जब आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होगा जो कि यहां पर आपका लॉजिक काम नहीं करेगा, तो प्लस माइनस का लॉजिक नहीं है, तो यहां पर हो सकता है कि मल्टीप्लाई का लॉजिक हो या स्क्वायर का हो या क्यूब का हो। अब हम चेक कर लेते हैं, मतलब आपको क्या है कि 3 से यहां पर क्या करना है 4 बनाना है, मतलब 3 से 4 किस टाइप से बनाया जा सकता है, तो दोस्तों एक कंडीशन तो यह हो सकती है कि आप मल्टीप्लाई 3 कर लो फिर +1 कर लो तो 4 हो जाएगा, एक तो ये भी हो सकता है, या एक कंडीशन ये हो सकती है कि 3 का मल्टीप्लाई 1 में कर लो, क्या होगा 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर लो तो क्या होगा 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। उसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या करें कि 4 में यहाँ पर क्या करें 8,
तो फोर में भी मल्टीप्लाई हम वन कर ले, उसके बाद क्या बच रहा है यहाँ पर, फोर में मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे वन, उसके बाद यहाँ पर आठ बच जाए, यहाँ पर क्या बचेगा तेरह में से चार जाएंगे तो क्या बच जाएगा नौ, मतलब प्लस के नौ, तो यहाँ पर हम क्या कर ले थ्री का स्क्वायर, अरे फोर का मल्टीप्लाई वन में उसके बाद थ्री का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नाइन, क्लियर है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे तो क्या होगा फाइव मिल रहा है, देन यहाँ पर ट्वेंटी फाइव, मतलब ये क्या है फाइव का स्क्वायर बन जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए सिक्स का स्क्वायर मिलना चाहिए, तो सात में से आठ जाएंगे तो कितने बच जाएंगे यहाँ पर, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 38 और 87, तो यहाँ पर सात में से आठ मतलब 17 में से आठ जाएंगे तो कितने बचेंगे नौ, उसके बाद सात में से तीन जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 49, मतलब ये भी क्या है सेवन का स्क्वायर है। देन यहाँ पर क्या हो रहा है चेक कर लो इसको भी, तो यहाँ पर 16 में से सात जाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पर नौ बच जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि 15 में से आठ जाएंगे तो क्या बचेंगे सात, तो दोस्तों यहाँ पर ये गलत है क्योंकि यहाँ पर भी क्या आना चाहिए 81, क्योंकि यहाँ पर एक का स्क्वायर उसके बाद तीन का फिर यहाँ पर पांच का फिर सात का, तो यहाँ पर नाइन का स्क्वायर आना चाहिए 81, तो यहाँ पर क्या है 71, तो 166 यहाँ से क्या हो जाएगा गलत पद हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपकी सीरीज है उसका राइट आंसर क्या होगा 166 क्या हो जाएगा यहाँ से गलत पद हो जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा, दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज से लाइक करें और कमेंट करें, और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज से सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो करिए क्योंकि वहां पर मैं व्यापम की ग्रुप 4 की एग्जाम में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चंस के वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाला हूं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी जाकर आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।